उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में आज कोर्ट परिसर में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल साक्षी नाम की एक महिला आज मुजफ्फरपुर नगर कोर्ट पहुंची थी, जहां साक्षी का अपने ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा है और उसी विवाद के निस्तारण हेतु फैमिली कोर्ट में आज साक्षी कोर्ट में सुनवाई की तारीख पर पहुंची थी, जिसके बाद महिला अचानक कोर्ट की बिल्डिंग पर चढ़ गई और कूदने का प्रयास करने लगी। क्या मामला था जो आज कोर्ट में आप चढ़े थे? मेरा बच्चा 1 साल से 19 कोर्ट के चक्कर काट रही, 3.5 दिन के उन्होंने मुझे निकाल दिया था। 3.5 साल तक मैं अपने मायके में रह के वो पाला, उन्होंने मेरे पास फोन तक नहीं कर रखा, चेक कर सका सर सर किसी ने। मैं डीएम के पास गई, एसपी के पास गई, सामने ने सबके पास गई, किसी ने मेरा कुछ नहीं करा। कल ये कोर्ट में चली जा, उसके बाद कोर्ट में आई गई आप। अरे 1 साल से वो तारीख मिल जाओ, एक पर भी नहीं आई, एक भी तारीख नहीं करी उन्होंने। मैंने सारी तारीख करी, आज बे तारीख दे दी। मैं सुसाइडी करूंगी अब अगर मेरा बच्चा मुझे मिलेगा तो, मैं जिंदा रहूंगी वरना मैं इस जिंदगी को छोड़ दूंगी। उसके कारण ही मैं जिंदा थी। मेरे दिल से मेरी बात तक नहीं करवाई उन्होंने, दिखाया भी नहीं। उस दिन से अपने पास ही है वो। क्या चाहते हैं? मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अगर कोर्ट ने आपको बच्चा सुना देगा तो मैं जिंदगी को छोड़ दूँगी, मैं जिंदा रहने हो, मैं जिंदा नहीं रहूँगी। बहरहाल साक्षी नाम की महिला को सिविल लाइन पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।